Good morning students, today we will continue our chapter number 3 that is fiber to fabric. So इस chapter के अंदर हमने clothes के बारे में पढ़ा था और clothes जो होते हैं वो हमारे protection के लिए और वो good looking के लिए use करते हैं उन्हें. उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था मेरे previous lecture में वो हमने read किया था about the wool. ठीक है, कि wool से जो है वो हमें woolen के clothes कैसे मिलते हैं, wool fiber से. So now there is a health hazard in wool industry. कि जो हमारा वुल का जो इंडस्ट्री है जिसके अंदर फैक्ट्रीज के अंदर जो वुलन क्लोथ्स बनते हैं उनमें बहुत सारे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको काफी सारे हेल्थ हैजार्ड होते हैं. हैजार्ड मीन बहुत सारा डेंजर होता है, उनको बहुत सारे खतरे होते हैं उनकी हेल्थ को लेकर. उनका हेल्थ जो है वो जल्दी डिजीजेस से कंट्रोल में आ जाता है. जस्ट अब आता है रीजन क्या है उसका. सो दिस इज एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स इज अ फैटल ब्लड डिजीज. ये एक एंथ्रेक्स डिजीज होता है. एंथ्रेक्स नाम है उस डिजीज का और ये ब्लड डिजीज होता है. Caused by the anthrax bacteria. और ये किसकी वजह से होता है? Anthrax bacteria की वजह से होता है, जो woolen industry की वजह से वहां पे woolen industry में ज्यादातर पाया जाता है. So वहां के जो workers है वो इस bacteria के contact में आते हैं और उनको कौन सी डिजीज हो जाती है? Anthrax. और anthrax में क्या होता है, ये एक respiratory disease है. Respiratory disease मतलब इसमें आपके lungs affected होते हैं, फेफड़े affected होते हैं और उसकी वजह से छींक आना, अल्सर होना, स्किन इन्फेक्शन होना, ये सब उसके लक्षण होते हैं. एंड नाउ दिस इज वुल माल. जैसे आप नाइकी के शोरूम में जाते हो तो नाइकी का साइन होता है, एडिडास के शोरूम में एडिडास कंपनी का ब्रांड होता है, गाड़ी के भी आपने लोगोस देखे होंगे, टाटा का लोगो होता है डी, और ऐसे काफी सारे फोन के भी लोगो होते हैं अलग अलग जिसमें अपना एक साइन होता है. तो वैसे वुल का भी एक मार्क होता है जिससे हम बोलते हैं वुल मार्क. ठीक है, सो व्हाट इज दिस वुल मार्क? इट इज अ ट्रेड मार्क ओन्ड बाय ऑस्ट्रेलियन वुल इनोवेशन लिमिटेड. तो ये एक ट्रेडमार्क है जो किसके पास में है, जिसको किसने ओन किया है, बाय AWI ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसने इसको ओन करके रखा है वुलमार्क. एंड देन इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन टेक्सटाइल ब्रांड. और ये जो AWI है ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जो है टेक्सटाइल ब्रांड है. इट इंडिकेट्स द प्योरिटी ऑफ वुलन फैब्रिक. तो ये जो वुलमार्क है वो क्या बताता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि वुलन फैब्रिक जो है वो कितना प्योर है. And now we will talk about our next topic that is silk. तो अब हम जो है वो सिल्क के बारे में पढ़ेंगे कि सिल्क जो है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, कौन से जानवर से मिलता है. जैसे वुल के लिए हमने पढ़ा था कि वुल हमें किससे मिलता है, कैमल से मिलता है, अंगोरा रैबिट से मिलता है, याक से मिलता है, शीप से मिलता है. तो वैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वुल के लिए. तो हमारे पास में सिल्क जो है वो किस एनिमल से मिलता है और या फिर किस इंसेक्ट से मिलता है और कैसे हम उससे जो है ऑब्टेन करेंगे सिल्क थ्रेड को और उससे कपड़े बनाएंगे उसके बारे में रीड करेंगे. सो व्हाट इज सिल्क? इट इज स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, लस्टरस, लाइटवेट एनिमल फाइबर. तो ये हमें एनिमल से मिलता है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज एनिमल फाइबर. और इसके बाद में ये स्ट्रॉन्ग होता है मतलब जल्दी फटता नहीं है, सॉफ्ट होता है टच में, लस्टरस मीन्स शाइन करता है ये कपड़ा, और साथ में कैसा होता है, लाइट वेट होता है. मतलब इसका वेट कैसा होता है, लाइट होता है. फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना अराउंड 6000 BC. यानी कि सबसे पहले जो सिल्क है वो किसने बनाना स्टार्ट किया था, चाइना. ठीक है, जो चाइना कंट्री है उसने सबसे पहले सिल्क बनाना जो है वो स्टार्ट किया था. सो दैट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना. लीजेंड गिव इट्स क्रेडिट टू अ चाइनीज एम्प्रेस शी लिन शी. तो ये जो है उसका जो लीजेंड, यानी कि लोग जो जानते हैं कि जिन्होंने किसने सिल्क को डेवलप किया, किसने बनाना सीखा पहली बार, तो ये जो है इस इंसान का नाम है. जैसे हमारे यहाँ पे नाम होते वैसे ही चाइना में किसी पर्सन का नेम है जिसका नाम है शी लिन शी. ये एक ही पर्सन का नेम है और सारा क्रेडिट जो है सिल्क बनाने का वो इस पर्सन को जाता है. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ और सिल्क वर्म. तो ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है, जो सिल्क है वो सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म जिसे हम बोलते हैं सिल्क का कीड़ा, उससे जो है ये हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है. पहले क्या मिलेगा, कोकून. कोकून क्या होता है, व्हाइट बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटी सी बॉल होती है तो वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे हम बोलते हैं कोकून. और कोकून के बाद में हम उस थ्रेड को अलग करते हैं और क्या बना देते हैं, कपड़ा या फैब्रिक बना देते हैं. सो द रियरिंग एंड मैनेजमेंट. रियरिंग मीन्स पालना. जैसे हम डॉग को पालते हैं या फिर बिजनेस के लिए अगर किसी एनिमल्स को रखा जाता है तो हम उसे बोलते हैं रियरिंग. जैसे डेयरी वाले होते हैं वो गायों को रखते हैं तो वो उनका क्या हो गया, रियरिंग ऑफ काउज एंड बफेलोज. तो यहाँ पे क्या हो गया, रियरिंग यानी कि पालना. द रियर
रियरिंग एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब उनका ध्यान रखना, ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। मतलब कि सिल्क वर्म को पालना और उनका ध्यान रखना सिल्क के लिए टू ऑब्टेन द सिल्क, वो क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। एंड नाउ दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। अब हम पढ़ेंगे कि सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल कैसे होता है, वो कैसे जो है वो फैब्रिक को या थ्रेड को जो है वो डिजाइन करता है। सो फर्स्ट, दिस एंटायर साइकिल डज नॉट टेक मोर देन अ कपल ऑफ मंथ्स, कि ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पूरा टाइम में क्या होगा, मंथ में ही जो है कुछ टाइम लगेगा और उसी मंथ के अंदर ही अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट कर देता है। द फोर स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल आर, यानी कि जो इसके लाइफ साइकिल होते हैं उसके अंदर चार स्टेजेस होते हैं, दैट इज एग, सबसे पहले एग होता है, उसके बाद में आता है कैटरपिलर या लार्वा स्टेज, फिर आता है प्यूपा एंड देन एडल्ट। सो इसमें होगा जो सबसे पहले फीमेल होता है, तो चार स्टेजेस के बारे में बात की हमने कि ये चार स्टेजेस होंगे। जैसे पहले बेबी आता है, ठीक है, तो बेबी उसके बाद में क्या करता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो कम्प्लीटली एकदम एडल्ट में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे लाइफ साइकिल होता है, वैसे भी इंसेक्ट का भी क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है। सो ये लाइफ साइकिल के फोर स्टेजेस है, ठीक है। एंड नाउ द फीमेल सिल्क वर्म लेज मेनी टाइनी एग्स, तो जो फीमेल जो होता है सिल्क वर्म वो बहुत सारे छोटे छोटे अंडे देता है। एंड देन द एग्स आर बर्स्ट एंड इंक्यूबेटेड एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फिर उन अंडों को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है और उसके बाद उसे 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो है इंक्यूबेटेड, मतलब कि जैसे मुर्गी जो होती है अंडा देने के बाद में उसके ऊपर बैठी रहती है जिससे वो गर्म करती है अंडे को, और उसके बाद में जो है वो अंडे में से क्या होता है, एग हैच होके क्या आता है, जो बेबी होता है न्यू बेबी वो आती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी क्या होगा, जो एग्स होंगे वो वॉश किए जाएंगे और इंक्यूबेटेड यानी कि उनको टेम्परेचर दिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, जिससे एग्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, उसके बाद में तो उससे क्या निकलता है, वेन एग हैचेस, जब अंडा जो है वो हैच कर जाता है यानी फूट जाता है अपने आप, सिल्क वर्म क्रॉस आउट, तो उससे क्या निकलता है, सिल्क वर्म निकलता है। एंड दैट सिल्क वर्म इज नोन एज लार्वा, तो अब हम उसको क्या कहते हैं, या तो हम कैटरपिलर बोल सकते हैं या फिर हम उसे क्या कहते हैं, लार्वा। एंड लार्वा फीड ओनली ऑन मलबेरी लीव्स, और जो ये मलबेरी है यानी शहतूत होता है, शहतूत के पेड़ के पत्ते होते हैं, सिर्फ लार्वा क्या खाता है, ये सिल्क वर्म जो होता है वो शहतूत के जो पत्तियां हैं उनके ऊपर अपना फीड करता है, मतलब सिर्फ शहतूत की पत्तियां खाता है, तो उसे हम बोलते हैं मलबेरी लीव्स। कितने दिन तक, फॉर अबाउट 27 डेज, 27 डेज तक वो सिर्फ उसका फीडिंग करता है। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, 27 डेज के बाद में लार्वा स्टॉप ईटिंग, वो जो लार्वा होता है वो खाना बंद कर देता है एंड स्टार्ट स्पिनिंग द कोकून, और क्या करता है, कोकून बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। कोकून क्या है, जिसमें वो खुद ही अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा और खुद उसके अंदर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है, बॉल जैसा शेप होता है जिसके अंदर खुद वो रहता है जानवर। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा स्टेज, और उसके बाद में जब वो कोकून कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये एक फिगर है इसके चारों तरफ वो क्या करेगा, जो ये है हम मान लेते हैं कि ये एक लार्वा है, सिल्क वर्म है, तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है, एक व्हाइट कलर या ऐसा कुछ डिजाइन बना देता है और बॉल में कवर हो जाता है, उस बॉल के अंदर जो सिल्क वर्म कवर्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्यूपा स्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपा स्टेज। एट द एंड ऑफ प्यूपा स्टेज, और जब वो अपना पूरा कोकून बना लेता है, उसका स्टेज कंप्लीट हो जाता है, देन सिल्क मॉथ कट्स ओपन द कोकून, तो सिल्क मॉथ क्या करता है, उसको कोकून जो उसने बनाया उसको कट करता है, एंड द यंग मॉथ फ्लाइज आउट, और जो हमारा यंग मॉथ होता है वो उसको कट करके क्या करता है, बाहर निकल जाता है, मतलब उड़कर चला जाता है, उसको पंख आ जाता है। सो दिस दैट्स ऑल फॉर द टुडे, एंड व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मटेरियल एंड राइट डाउन दिस इन योर साइंस नोटबुक। तो आपको ये क्या करना है, जो भी मैंने अभी काम करवाया है वो आपको काम कंप्लीट करना है ये कॉपी में और अच्छी हैंडराइटिंग में करना है, मिस्टेक नहीं करनी है स्पेलिंग मिस्टेक। और इसी के साथ में बुक में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है लाइफ साइकिल का, वो भी ड्रॉ करना है। थैंक यू।